ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનો રંગ જામી ગયો છે ત્યારે તમામ પાર્ટીઓ પોતાના પ્રચારમાં ઉતરી ગઈ છે, પણ સુરત એક એવું શહેર છે કે જે ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર છે અને આર્થિક પાટનગરનો મહત્ત્વનો ઉદ્યોગ છે ટેક્સટાઈલ. ચૂંટણીને લઈને દરેક પાર્ટીના ઉમેદવારો ઘણા બધા વાયદા કરતા હોય છે, ત્યારે ટેક્સટાઈલના વેપારીઓની શું આશા અને શું અપેક્ષા છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. સબસે પહેલા આપકા નામ, ચુનાવ કા માહોલ જમ ગયા, ક્યા કહે ગયે, ક્યા આશા? રંગના સાડા, ડાયરેક્ટ પ્રવક્તા ફોસ્ટા. देखिए, चुनाव नज़दीक आ गए हैं. रही बात चुनाव की बात है तो आपको मालूम है कि यहाँ का व्यापारी है वो बीजेपी का वोटर रहा, सपोर्टर रहा, अधिकतर व्यापारी. और जनरली व्यापारी, सबसे बड़ी बात बता दूँ, सत्ता के साथ रहना पसंद करता है, चाहे वो कोई भी सत्ता हो. तो वर्तमान में यहाँ पे सत्ता, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे नगर निगम की हो या केंद्र की हो, बीजेपी की है. रही बात समस्याओं की, बात करता हूँ. कपड़ा बाजार को लेके हमारे की जो समस्याएं हैं, तो केंद्र से रिलेटेड हमारे जीएसटी की समस्याएं हैं और विधानसभा से रिलेटेड है हमारे यहाँ पे जो उठामना हो रहा है उससे रिलेटेड है. पहले मैं आता हूँ कि जीएसटी से रिलेटेड 2021 नवंबर में एक नोटिफिकेशन आता है कि जो कपड़ा फैब्रिक्स पे अभी वर्तमान में 5% जीएसटी, उसको 12% किया जाता है. हमारे यहाँ भी विरोध होता है, एक दिन की टोकन स्ट्राइक होती है, उसके बाद हमें वित्त मंत्रालय ले जाया जाता है, हमारी रजूआत होती है. तब से लेके आज तक 5% ही कपड़े पे फैब्रिक पे जीएसटी है, लेकिन वो नोटिफिकेशन अभी तक स्थगित है, पोस्टपोन्डेड है, रद्द नहीं हुआ है. हम चाहते हैं कि वो इमीडिएटली वो नोटिफिकेशन रद्द हो, कहीं चुनाव के बाद में फिर से वो लटकती तलवार खड़ी नहीं हो जाए. बिल्कुल, 12% जीएसटी और रद्द होना चाहिए. आपका नाम क्या कहेंगे, चुनाव को लेकर क्या आशा है? ललित शर्मा, अध्यक्ष टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड. आशा तो देखिए बहुत ज़्यादा है, आशा अमर है और आशा के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है. हमारी आशा जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी हर लोगों के लिए, खाली कपड़ा व्यापार के लिए नहीं है. यहाँ पर कपड़ा व्यापार के साथ साथ डायमंड का व्यापार है, दोनों के अंदर माइग्रेंट वर्कर ज़्यादा है और माइग्रेंट वर्कर जो है यूपी बिहार से ज़्यादा आते हैं. आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा छठ पूजा के अंदर इतनी ज़्यादा क्राउड रहती है जिसकी कोई हद नहीं है, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ है जिसके बारे में अगर मैं बोलूँ अगर तो रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ है. मैं सरकार से चाहता हूँ कि वो माइग्रेंट वर्कर जो छोड़ करके अपने देश को यहाँ आते हैं, प्रदेश के अंदर काम करते हैं, यहाँ की समृद्धि के अंदर वो एक भाग रूप है, उनके लिए सोचा जाए. उनको अन्य सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है, लेकिन जब वो आवागमन की सुविधा देखते हैं तो रोना आ जाता है. उनके लिए जो आवागमन की सुविधा को प्रॉपर किया जाए, अच्छे से अच्छा किया जाए. कुछ गाड़ियाँ रोज़ हम सुनते आ रहे हैं, हम 2017 से ये रजूआत कर रहे हैं. अभी रेल राज्य मंत्री जी हमारे यहाँ की है, तो हम ये चाहते हैं कि सूरत से स्पेशल गाड़ियां जो है वो चलाई जाए, यहां से यूपी की, बिहार की, झारखंड की ट्रेन की सुविधा बढ़ाई जाए, ये हम अभी चाहते हैं. इसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर जहां रहते हैं उनके जो 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 सुविधाएं कम पड़ रही है उनको, वो उनको प्रदत्त की जाए, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है. उनके बगैर हम तरक्की की संभावना हमारी है ही नहीं, उनके बगैर हम तरक्की नहीं सोच सकते हैं. अगर वो व्यक्ति सुखी रहेगा तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे. हमारी मांग केवल उनके लिए है. बिल्कुल, माइग्रेंट कारीगरों माटे नहीं मांग से. आपका नाम क्या कहेंगे, चुनाव को लेकर? मैं मनोज अग्रवाल, पोस्टा का प्रेसिडेंट. चुनाव है तो बिल्कुल हर आदमी की इच्छा रहती है कि भैया आज हमारे जो है कपड़े मार्केट में, जब से जीएसटी लगी है उसके बाद कपड़े में बहुत बड़ा इफेक्ट आया है और बिजनेस में इफेक्ट आया है. इसके सरलीकरण के लिए हमेशा रजूआत करते रहते हैं. अभी पिछली दफ़ा 5% का 12% जीएसटी की थी, उसको 5% पोस्टपोन किया गया, वो एक समस्या है. दूसरी अभी इनवाइस की जो समस्या आ रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है. अगर 5 करोड़ के ऊपर अगर ये इनवाइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सब छोटे व्यापार. सीधी बात करता हूँ, चुनाव आते हैं सभी पार्टियाँ व्यापारियों को कुछ ना कुछ प्रलोभन देती है. इस बार आप पार्टी आई है, क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? व्यापारी जो चाहते हो, कौन सी पार्टी आपको वायदे कर रही है? नहीं देखिए, मैं कहता हूँ वायदे वगैरह में कुछ नहीं होता. इलेक्शन के वायदे तो शादियों में जो गाना या पहले जो गाने गाए जाते हैं या शादियों में गीत गाए जाते हैं, वो वाले वादे कुछ नहीं होते हैं. लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए. बिल्कुल, बीजेपी की सरकार, विपक्ष मजबूत. आपका नाम क्या कहेंगे? मुकेश डागा. देखिए, कृषि उद्योग के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल व्यापार है, टेक्सटाइल उद्योग है. लेकिन यहाँ पे हम ऐसा देख रहे हैं कि अनदेखी हो रही है. जो हमारी यहाँ पे मूलभूत समस्या है उनको यहाँ पे सुने नहीं जाता. हमने SIT की मांग की बात की थी, आर्थिक अपराध यहाँ पे पुलिस थाना में उसकी मांग की थी, और यहाँ पे रोज उठमड़ा हो रहा है, जो व्यापारी छोड़े जा रहे हैं, जो पैसा खा के उसकी मांग लेके आज तक हमारी कभी मांगे पूरी हुई नहीं है. चुनाव आते हैं, कुछ हमें भी लगता है कि हमारी सुनेंगे, बात करेंगे, वो होगा. लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो होवा तैयार हो रहा है उसके हिसाब से हमारे ऊपर वो खरे नहीं उतर रहे हैं. वायदा था इसे पूरा नहीं था. तो आपका नाम क्या कहेंगे? मैं चंदन बिश्नोई, साईं क्रिएशन, JJ मार्केट. हमारा
नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह से एक प्रमुख निवेदन ये है कि जीएसटी जो आपने 12% की थी और उसको 5% पे अभी पोस्टमार्टम पे नोटिस को स्थगित किया हुआ है, बट उसको कैंसिल नहीं किया हुआ है। अभी साड़ी पे 5% जीएसटी है और लहंगे पे 12% जीएसटी है। तो हमारा मोदी जी से और अमित शाह जी से एक विशेष निवेदन है कि 5% लहंगे पे भी 5% जीएसटी करिए की जाए और साड़ी पे भी 5% जीएसटी की जाए, और जो पार्टी चेक बाउंस होता है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए, और जो पेमेंट पार्टी समय पे नहीं देते हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अभी फिलहाल जीएसटी लगने के बाद में मार्केट के अंदर व्यापार का स्तर निरंतर डाउन हो रहा है, अप नहीं जा रहा है। बिल्कुल, आता सूरत ना व्यापारी तेवनु सीधू कहूँ के चूंटनी आवता नी साथे तमाम पार्टी वायदा करे छे पण आ वायदा पूरा नहीं करता। जो कि कापड़ उद्योग की सौथी मोटी समस्या जीएसटी मुद्दों से कारीगरों ने पोताना वतन आवा जवा मुश्किल, खास कर कापड़ मार्केट में चीटिंग और उठमना चाली रहा है तेने लईने कायदो कड़क बनावानी मांग है। त्यारे जोवानुं रह्युं के चूंटनी पूरी थता ने बाद सत्ता में आवेली सरकार व्यापारी तरफ केटलुं ध्यान आपे छे। कैमरा